Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now in continuity with the previous topic जो हमने mainly discussion करनी आज हमने vectors में वो mainly है हमारे पास facts related to the addition of vectors. मतलब जब आप vectors की addition करते हो then you have to obey some properties और वही properties के बारे में हमने discussion करनी है. वैसे स्टूडेंट्स हमने मेनली ये तो डिस्कस कर लिया था कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं या फिर किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में होते हैं देन आपने उनका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है. आज हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है तो लेट्स डिस्कस कि वो किस टाइप से आपके पास होंगी. तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास वो क्या है, वेक्टर ऑफ सेम नेचर, वेक्टर ऑफ सेम नेचर मस्ट बी एडिंग. इसका मतलब क्या है कि वेक्टर जब आपस में ऐड होंगे, जैसे मान लो ए वेक्टर में जब वी वेक्टर ऐड होता है तो ये जो दोनों वेक्टर होने चाहिए दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर मान लो फोर्स है एक वेक्टर मेरे पास तो उसमें दूसरा मेरे पास फोर्स ही ऐड होगा. अगर मान लो एक मेरे पास वेलोसिटी है तो उसमें दूसरी वेलोसिटी ही ऐड होगी. तो मतलब क्या है, वेक्टर जो होंगे वो सेम नेचर के आपस में ऐड होते हैं. ऐसा नहीं होगा कि आप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को ऐड कर दो तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी. इस टाइप से आपने ऐड नहीं करना. तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब सेकेंड डिस्कस करते हैं. सेकेंड हमारे पास क्या है, जो वेक्टर एडिशन होती है वो किसको ऑब्वे करती है, ऑब्वे कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी. ये मेनली क्या करती है, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्वे करती है. क्लियर, वो देखिए कैसे आपके पास डिस्कस होगा. इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपके पास इक्वल होंगे. मतलब अगर मैं ए को बी में ऐड करूं या बी में ए को ऐड करूं देन मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा. और इसे हमें प्रूफ भी करना है, काफी बार एग्जाम्स में भी आ जाते हैं. तो देखिए कैसे आप प्रूफ करोगे. इसके लिए मैंने यहां पे पैरेललोग्राम बनाना है इस टाइप से, जस्ट लाइक दिस. ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है और यहां से ये मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं. क्लियर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये मेरे पास इसका डायगोनल हो गया फ्रॉम द सेम साइड. लेट इट बी ओ पी क्यू एस. क्लियर, अगर स्टूडेंट ये ए वेक्टर है तो ये मेरे पास क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा इस डायरेक्शन में. अगर ये बी वेक्टर है तो ये मेरे पास क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा. क्लियर, अब देखिए आपके पास है क्या. अब मैंने क्या करना है, यहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना है. अगर मैं ट्रायंगल देखता हूं ओ पी क्यू, मतलब क्या है, आपके पास ट्रायंगल है ओ पी क्यू. ओपी क्यू ट्रायंगल में क्या है आपके पास, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर. मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर. तो यहां पे ओपी वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर और इसका वैल्यू कितना है, बी वेक्टर और एक इसके इक्वलेंट आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर के इक्वलेंट आ जाएगा. इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं इक्वेशन नंबर वन. अब ऐसे मैंने क्या करना है, यहां पर यह ट्राइंगल कंसिडर करना है ओ एस क्यू. मतलब इन ट्राइंगल ओ एस क्यू, ओ एस क्यू में आपके पास क्या होगा, ओ एस वैक्टर प्लस एस क्यू वैक्टर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ओ क्यू वैक्टर. मतलब सेम ऑर्डर में लेना है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस वैक्टर. अब ओ एस वैक्टर का वैल्यू कितना है, बी वैक्टर और ये कितना है, ए वैक्टर इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ओ क्यू वैक्टर. तो इसे मैं इक्वेशन नंबर टू कंसीडर कर लेता हूं. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यू कैन सी ये भी ओ क्यू का वैल्यू है, ये भी ओ क्यू का वैल्यू है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस इक्वल टू
बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। है कुछ नहीं, जस्ट आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना था, तो आप इस टाइप से प्रूफ करोगे कि आपने जस्ट ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है, और एक चीज याद रखना, जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स मेंशन करना है। जस्ट लाइक ए वेक्टर है तो ओपी, बी वेक्टर ऐसे है तो पी क्यू, और ये इस डायरेक्शन में देन ओ क्यू, तो आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। और इसका वैल्यू पुट किया, ऐसे मैंने ये ट्रायंगल चूज करी, इसका वैल्यू पुट किया, देन दोनों को इक्वेट किया। अब देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो वेक्टर एडिशन होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऑबे करती है, वो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड है ऑबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये क्या चीज होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ये मेनली मैंने प्रूव करना है। इसका मतलब क्या होगा, पहले आपने बी प्लस सी किया, फिर उसमें ए वेक्टर को ऐड किया, इसमें क्या है आपने ए प्लस बी किया फिर उसमें सी वेक्टर को ऐड किया, तो इसका मतलब है, पर्टिकुलर ब्रैकेट्स का मतलब है यहां पे कि बी प्लस सी किया उसमें ए को ऐड किया, ए प्लस बी किया उसमें सी को ऐड किया, इस टाइप से आपने करना है। तो देखिए हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, दिस वन इज ए वेक्टर, ये मेरे पास है सी वेक्टर, लेट इट बी दिस वन इज डी वेक्टर, जस्ट एक पॉलीगन टाइप है वो मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया इस टाइप से। स्टूडेंट यहां पे मेरे पास क्या है कि ये दो तीनों मैंने सेम ऑर्डर में लिया और ये अपोजिट ऑर्डर में, ये मैंने डी वेक्टर लिया है, आपकी मर्जी है, अगर इसे डी वेक्टर नहीं कंसीडर करना आप इसे कुछ और भी लाइक ले सकते हो, वो आपकी अपनी विश है। अब देखिए आपने करना क्या, इसे ओ पी क्यू एस, अब मैंने इन पॉइंट्स को नेम दे दिया, ये मैंने इसका डायगोनल ले लिया और ये यहां से यहां डायगोनल ले लिया, क्लियर। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू आपके पास क्या आएगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। अब ओपी का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर, और इसका वैल्यू कितना है, बी वेक्टर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू वैक्टर, ये आपके पास आ गया। अब ओ क्यू वैक्टर का मुझे वैल्यू पता है, मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, तो आपके पास क्या आएगा, ओ क्यू वैक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर इक्वल टू ओ एस वैक्टर। अब ओ क्यू का वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता ही है, तो मैंने पुट कर दिया ए प्लस बी वेक्टर, इसको ब्रैकेट में लिया क्योंकि ये एक साथ आ रहा है, और क्यू एस वैक्टर का वैल्यू क्या है, सी वेक्टर, ओ एस वैक्टर की आपकी अपनी विश है, वैल्यू पुट करनी है कर सकते हो, नहीं तो नहीं, तो ये आपके पास लेट इट बी डी वेक्टर, जैसे मैंने कंसीडर किया, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर वन। अब मैंने क्या करना है यहां पे, अब मैंने दूसरा ट्रायंगल यहां पे सिस्टम चूज करना है, वो देखिए मैं किस टाइप से यहां पे कर सकता हूं। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस में आपके पास क्या होगा, पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर इक्वल टू पी एस वैक्टर, ये आपके पास होगा। पी क्यू वैक्टर का वैल्यू कितना है, बी वैक्टर, और इसका c वेक्टर है इक्वल टू क्या आ जाएगा, ps वेक्टर, तो मेरे पास इस वेक्टर की वैल्यू आ गई ps की, कितनी आ गई, b प्लस सी। अब मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं ops, ट्रायंगल ops
पी एस, तो इसमें क्या होगा, ओपी वेक्टर प्लस पी एस वैक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ओ एस वैक्टर। अब इसका वैल्यू कितना है, ए वैक्टर। अब स्टूडेंट पी एस वैक्टर का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया बी प्लस सी, इसे इकट्ठा लिखेंगे, बी प्लस सी वैक्टर इक्वल टू ओ एस, ओ एस का वैल्यू कितना है, डी वैक्टर। इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कंसीडर कर लेता हूं, ये वन है ये टू है, क्लियर, वन भी आ चुकी है टू भी आ चुकी है। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब जस्ट करना है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, बट ये है कि टफ नहीं है, जस्ट आपने ट्रायंगल सिलेक्शन करनी है। पहले ए बी के अकॉर्डिंग मैंने ली, फिर सी को इंक्लूड कर लिया, फिर रिवर्स में क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे बी और सी को इकट्ठे रखना था, तो मैंने बी और सी का लिया, फिर इससे मेरे पास ये आ गया, जब ये आ गया इसको इसको और इसको लिया, देन इसकी हेल्प से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपके पास क्या प्रूफ हो जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है इन द वेक्टर एडिशन। तो ये तो थी हमारे पास थ्री प्रॉपर्टी, इसमें टू प्रॉपर्टीज और है रिलेटेड टू द बॉट रिवर प्रॉब्लम, और बॉट रिवर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसकी फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है बॉट रिवर की, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने वो अच्छे से कवर अप करना है। तो तीन प्रॉपर्टी मेनली हमने इसमें डिस्कस करी है, एक तो क्या थी, वेक्टर ऑफ द सेम नेचर मस्ट बी एडिड, इट ऑबे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इट ऑबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एनी डाउट स्टूडेंट्स, क्लियर?